हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से हम दोनों मिल गए हैं। तो आए थे पहाड़ी मंदिर पूजा करने, तो पूजा हो गया, आप जाएंगे राजभवन, उससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो चलते हैं और आप सबको आगे और दिखाते हैं। पूजा संपन्न हो गया हम लोग का, थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं इस जगह और फिर हम लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो हम लोग का पूजा संपन्न अच्छे से हो गया है पहाड़ी मंदिर में। तो अभी जाएंगे राजभवन, उस सकते हैं बात करें अगर रांची रेलवे स्टेशन से राजभवन की दूरी तो 4.8 या 5 किलोमीटर कुछ ऐसे ही है। तो आप सब भी आइए, अभी खुला है। तो अभी हम लोग फिलहाल हारमू रोड रांची रोड चौक से होते हुए हम लोग गेट के अंदर घुस गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं नज़ारा और कितना भीड़ है। आज संडे है इसीलिए आज बहुत ज़्यादा ही आप लोग को देखने को मिलेगा। राजभवन रांची भारत के झारखंड राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह राज्य की राजधानी रांची में स्थित है, यह सबको आप पता ही है। और यहाँ के राज्यपाल अभी प्रेजेंट वर्तमान में रमेश बैस झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, ये भी आप सबको पता ही है। तो वीडियो में कहीं शोर शराबा बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरे बेसिक से लेकर पूरे डिटेल बताएंगे, तो पूरे देखिए। बीच बीच में आपको आवाज़ बात करें ये कितना दूर तक फैला हुआ है, तो शायद 52 एकड़ ऐसे ही कुछ होगा, ये पूरा एरिया है। झारखंड के राजभवन उद्यान में 25 से ज़्यादा देसी विदेशी सब्जियों की किस्में हैं। इसके साथ ही फल मसाले और साथ ही औषधीय पौधों की यहाँ भरमार है। इसके साथ ही बता दें कि उद्यान में 100 से ज़्यादा किस्म के गुलाब के फूल हैं। गुलाब के यहाँ 1000 से ज़्यादा पौधे लगे हैं। इसके साथ ही 40 से अन्य फूलों की भी किस्में भी है। मटर छोटी गोभी भी सब है, आलू भी सब है। बात करें ये कब तक खुला रहेगा तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन राजभवन 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खुला रहेगा। राजभवन प्रबंधन की तरफ से इस बात की सूचना दे दी है कि आम लोगों के लिए यह उद्यान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में प्रवेश के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यह 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 250 तरह के 15,000 से अधिक गुलाब के फूल हैं। इतना ही नहीं, अशोक उद्यान, बुद्ध गार्डन, अकबर गार्डन में मौसमी फूल देख सकेंगे। महात्मा गांधी औषधिया उद्यान, फूलो जानो उद्यान एवं लीली तालाब भी है और बहुत कुछ, मेरे को उतना नहीं पता है। सो गुलाब के फूल आप सब देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे हैं, और भी बहुत सारे हैं गुलाब के फूल भी बहुत ज़्यादा देखते हैं।
कि कुछ आए हैं तो फोटो वोटो ना हो कोई बात है, फोटो वोटो लेते हैं फिर आप सबको और बहुत कुछ अभी बताते हैं। बात करें राजभवन उद्यान परिसर में फव्वारे की, तो यहाँ शायद 9 फव्वारे हैं। इसके अतिरिक्त और है रुद्राक्ष एवं कल्पतरु के पेड़, पीला बांस, इलायची समेत कई तरह के फल हैं। इनमें संतरा, थाई, अमरूद, एप्पल, बेर, कई तरह का नींबू है, अनेक तरह के पेड़ पौधे भी हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए खेलने एवं झूलना की भी व्यवस्था सब जैसे की गई है। यहाँ आर्ट गैलरी जिसमें मनमोहक पेंटिंग, झारखंड की संस्कृति को दिखाती पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग, कृत्रिम ऑक्टोपस, कृत्रिम पहाड़, झरना, बहुत कुछ और भी शामिल है। जाना कहाँ को? पीछे तो देखो, अब हिंदे देखे कौन है यार। एकदम मरो किने 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 पीछे तो देख, यहाँ पे बैठने का नहीं है, नहीं तो ये दौड़ा दौड़ा क्यों मारे। रेड वाला सब बहुत घूम लिए, अब हम लोग घर जाएंगे। ओ भाई साहब, गेट के बाहर भी इतना जाम। ये उसका नाम नक्षत्र पार्क है का। हम रूम आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये फेसबुक पेज पर भी जो फेसबुक से हमको देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे डीके दीपक माथुर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। Bye-bye.